त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय साथीगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। आज वाराणसी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बना है। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये